उत्तर प्रदेश में आज यानी 10 फरवरी से पहले चरण का मतदान शुरू हो गया। पहले चरण के तहत पश्चिमी यूपी की 58 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले गए, लेकिन अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा के धूमरा गांव के लोगों ने मतदान करने से मना कर दिया है। बीच में वोटिंग करने से मना करने की वजह यह थी कि 65 वोट पड़ने के बाद वोट काउंट 115 बताने लगा। किसी तरह की धांधली ना हो, इसलिए गांव वालों ने नई ईवीएम में नए सिरे से वोटिंग की मांग की और वोट डालने से इंकार कर दिया। किस बात को लोग वोटिंग नहीं? विरोध इसका है कि पहले जो वोटिंग हुई है, पहले मॉक पोल भी करके देखा है, तब तो दिखा दिया है, लेकिन 65 वोट पड़ी है, 66वीं वोट पे इन्हें पता पड़ा है कि 115 वोट निकली है, उसमें 50 वोट की गड़बड़ है और जनता की मांग है कि दोबारा से ये मशीन नहीं बदली जाए तब वोटिंग करेंगे। वोटिंग नहीं कर रहे, ये सभी जनता ने निर्णय लिया है कि दूसरी मशीन मंगाई जाए, ये मांग है जनता की। अभी वोट टाइम हो गया, कम से कम 2 या 2.5 घंटे, 2 घंटे से खूब हो गए, 2.5 घंटे, 7 बजे से ही 7:30 से ही बन रहे हैं। नॉर्मल सी बात है कि मशीन जब ट्रायल हुआ तो 50 वोट पड़े थे, 50 वोट डलने के बाद में उसको जीरो किया गया और लोगों ने अपना मतदान शुरू कर दिया। मतदान शुरू करने के बाद में जब 66वां वोट डला तब उन्होंने चेक किया, तो चेक करने के बाद में पता चला कि वो 115 वोट दिखा रही है। जो 50 वोट डले थे वो न्यूट्रल नहीं हुए, उसी में काउंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, इसका जनता जवाब मांग रही है। वोटिंग के पहले हुई मॉक ड्रिल के वोट भी ईवीएम में दर्ज थे, इसलिए ये सारा गड़बड़ झाला हुआ। तुरंत ही चुनाव करा रही टीम को गलती का एहसास हो गया और गलती मान ली गई। हालांकि नए सिरे से वोटिंग कराए जाने से एसडीएम ने इनकार कर दिया। नहीं थी, इसमें एक चूक हो गई थी पीठासीन अधिकारी से। मॉक पोल अच्छा हुआ, उस पर 51 लोगों ने 51 वोट डाल करके देखा, उसकी पर्ची निकाल करके नियमानुसार काली थैली में और उसके बाद फिर ट्रांसपेरेंट बॉक्स में पिंक पेपर से सील की गई, उस पर सबके साइन है। लेकिन कि जब एक्चुअल पोल शुरू होना था तो डाटा डिलीशन इनका कहना है कि मैंने किया था, बट वो संभवतः हो नहीं पाया, तो इस वजह से वो 50+ सरप्लस वोट दिखाई दे रहे हैं। इनकी व्यवस्था है, हम लोग इसको ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं और काउंटिंग के टाइम पे जो हमारे पास मॉक पोल की पर्ची सील है उसके मुताबिक वो वोट डिटेक्ट कर दिए जाएंगे। लोगों ने सर जो मतदान बंद रखा था उस टाइम तक, लोगों का कहना है कि आगे भी उन्हें कोई टाइम दिया जाएगा? नहीं, एक तो कि टाइम वैसे भी है कि 6 बजे तक हमारे कैंपस में जितने भी लोग आ जाएंगे उनका सबका वोट कराने के लिए हम वैसे भी कानूनी रूप से हमारा कर्तव्य है, जितने भी लोग आएंगे उनको कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, मतदान शुरू हो गया? हाँ, अब शुरू हो गया है, लोगों को भ्रम था वो खत्म कर दिया। कुछ घंटों तक मतदान रुका रहा, लेकिन अधिकारियों ने लोगों को काफी समझाया, जिसके बाद जाकर मतदान फिर शुरू हो गया। हालांकि वोटरों के मन में अब भी ये बात घर कर गई है कि वाकई मॉक ड्रिल वाले वोट नहीं गिने जाएंगे या उनके साथ धोखा हुआ है। वोटिंग शुरू होने से पहले ही ईवीएम में वोट मौजूद होने से जो हंगामा हुआ उसने मतदाताओं के मन में शक के बीज जरूर बो दिए हैं। चुनाव आयोग बार बार कहता रहा है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन इस तरह की लापरवाही फिर से ईवीएम की बहस को सुर्खियों में ला देती है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को पहले चरण के तहत 58 सीटों पर वोट डाले गए हैं। आपके लिए ये खबर लिखी है अभय शर्मा ने, मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।